पहला है, गीता में लिखा है क्रोध के समय हर व्यक्ति को खुद पर थोड़ा नियंत्रण रखना चाहिए और गलती के समय थोड़ा झुक जाना चाहिए। यह तरीके अपनाने से दुनिया की सारी समस्या हल हो जाती हैं। क्रोध और अहंकार ये दोनों चीजें मनुष्य का विनाश कर देती हैं। दूसरा है, श्री कृष्ण ने कहा है पिता के द्वारा डांटा हुआ पुत्र, गुरु के द्वारा डांटा हुआ शिष्य और सोनार के द्वारा पीटा गया सोना, ये हमेशा आभूषण ही बनते हैं। तीसरा है, जब भी हिम्मत टूटे तो एक बात हमेशा याद रखना, चाहे कोई आपके साथ हो या ना हो, पर ईश्वर आपके साथ हैं और हमेशा रहेंगे। चौथा है, परमात्मा कभी किसी का भाग्य नहीं लिखते हैं। जीवन के हर एक कदम पर हमारी सोच, हमारा व्यवहार और हमारा कर्म ही हमारे भाग्य लिखते हैं। पांचवा है, घमंड एक भ्रम है जो हमें यह विश्वास दिलाता है कि हम बिल्कुल सही हैं, लेकिन बाद में वही हमारे बर्बादी का कारण बनता है। आठवां है, अगर किसी बच्चे को उपहार ना दिया जाए तो वह कुछ देर रोएगा, मगर संस्कार ना दिया जाए तो वह जीवन भर रोएगा। सातवां है, श्री कृष्ण ने कहा है समय कभी एक जैसा नहीं होता, उन्हें भी रोना पड़ता है जो बेवजह दूसरों को रुलाते हैं। आठवां, सफलता जिस ताले में बंद रहती है वह दो चाबियों से खुलती है, एक कठिन परिश्रम और दूसरा दृढ़ संकल्प से। नौवां है, हमेशा कोशिश करो कि दोगले लोगों से गहरा संबंध ना रखो, क्योंकि ये नाराज होते हैं तो सीधा इज्जत पर वार करते हैं। दसवां है, आज की हकीकत यही है कि आपने सुन लिया तो उलझ गए। ग्रामा वक्त से हारा या जीता नहीं जाता, केवल सीखा जाता है। ब्रामा जीवन को खुला छोड़ दे जीवन के लिए, क्योंकि संभाल कर रखी चीजें अक्सर वक्त पर नहीं मिलती हैं। तेरहवा है, कहते हैं सबसे समझदार और स्थिर बुद्धि वाला व्यक्ति वही है जो सफलता मिलने पर अहंकार में नहीं आता और विफलता में गम में नहीं डूबा जाता। चौदहवा है, एक मिनट में जिंदगी नहीं बदलती, पर एक मिनट में सोच कर लिया गया फैसला पूरी जिंदगी बदल देती है। पंद्रहवा है, समय जब न्याय करता है तो गवाहों की जरूरत नहीं पड़ती। सोलहवा है, कलम की ताकत दुनिया की हर ताकत से बड़ी है, एक रोटी कम खाओ पर बच्चों को जरूर पढ़ाओ। सत्रहवा है, जब तक किसी बात की पूरी जानकारी ना हो तब तक मौन ही रहना उत्तम है, क्योंकि अधूरा सत्य पूरे झूठ से कई गुना ज्यादा खतरनाक होता है। अठारहवा है, श्री कृष्ण कहते हैं इंसान के बर्बाद होने के पांच कारण है, नींद, गुस्सा, डर, थकान और काम टालने की आदत। उन्नीसवा है, जो अपना ना हुआ उस पर कभी हक न जमाना, और जो समझ ना सके उसे कभी अपना दुख न बताना। बीसवा है, घमंड एक भ्रम है जो हमें यह विश्वास दिलाता है कि हम बिल्कुल सही हैं, लेकिन बाद में वही हमारे बर्बाद का कारण बनता है। किसावा है, जिन्हें ज्ञान है उन्हें घमंड कैसा, जिन्हें घमंड है उन्हें ज्ञान कैसा। बैसावा है, सम्मान हमेशा समय और स्थिर का होता है, पर लोग उसे अपना समझ लेते हैं। लोग आपसे नहीं आपकी हैसियत से हाथ मिलाते हैं। जैसे भगवान गणेश जी के प्रतिमा के पास बैठे मूषक को पूजा जाता है और घर में घुसे मूषक को मार दिया जाता है। तीसवा है, शतरंज में वजीर और जिंदगी में जमीर अगर मर जाए तो समझो खेल खत्म। चौबीसवा है, जितना मर्जी पढ़ लो, जितना मर्जी डिग्रियां हासिल कर लो, लेकिन सिखाता तो इंसान दुनिया की ठोकरे से ही है। पच्चीसवा है, समय, सम्मान और विश्वास, यह तीन चीजें ऐसी होती है जो एक बार हाथ से गई तो फिर दोबारा लौट कर कभी नहीं आती। छब्बीसवा है, जीत के लिए खुद को प्रेरित करना जरूरी है। प्रेरणा का सबसे बड़ा स्रोत आपके अपने विचार है, इसलिए बड़ा सोचें और खुद को जीतने के लिए प्रेरित करें। सत्ताईसवा है, जीवन में अगर हम दूसरों की सफलता को स्वीकार नहीं करते तो वो रिश्तों बन जाती है, और अगर स्वीकार कर ले तो वही प्रेरणा बन जाती है। अट्ठाईसवा है, जिस दिन हम यह समझ जाएंगे कि सामने वाला गलत नहीं है, सिर्फ उसकी सोच हमसे अलग है, उस दिन जीवन की सब दुख समाप्त हो जाएंगे। उनतीसवा है, दोस्तों कुछ लोग वीडियो को इग्नोर कर देते हैं और अपने जीवन से जुड़ी बेहतरीन जानकारियां छोड़ देते हैं।
आप से मेरी प्रार्थना है, मेरा मनोबल बढ़ाने के लिए चैनल को लाइक शेयर जरूर करें। अगर चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तब